Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 2 polynomials, class 10th NCERT book. So student, polynomial to sabse pehle hum ye janne ki koshish karenge ki polynomial hote kya hain. So introduction wale part se apan start karte hain. To polynomials hote hain student ki jo algebraic expressions hote hain. To algebraic expressions ko hum yadi फॉर हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. यदि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन ऑपरेशंस के साथ अटैच कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो होती है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग. डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाइएस्ट पावर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस कॉल ना डिग्री. आपका जो वेरिएबल होगा और जो कॉफिशियंट होगा. देखिए यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको शो करता हूं. यहां पे मैंने मार्क किया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये वेरिएबल है और ये मेरा कॉफिशियंट है. यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ये भी कॉफिशियंट है. तो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसे हम कहते हैं उसका कॉफिशियंट. अब आप कहेंगे सर वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल. अब आप कहेंगे सर वैल्यू कैसे चेंज होती है? देखिए वैल्यू कैसे चेंज होती है. मैंने यहां पर पॉलिनोमियल मार्क किया एक्स प्लस टू और सेकंड यहां पे मार्क किया मैंने एक्स माइनस फोर. इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है. यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं तो एक्स की वैल्यू आती है मेरे पास माइनस की टू, बट इसे मैं सॉल्व करता हूं तो एक्स की वैल्यू आती है मेरे पास फोर. माइनस का फोर ट्रांसपोज होता है फोर. अब यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट? माइनस की टू. और यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? फोर. अरे भाई ये तो x है, ये भी x है कि सर है तो x ही लेकिन दोनों बार वैल्यू चेंज आ रही है. यहां पे माइनस टू आ रहा है, वहां पे फोर आ रहा है, तो वैल्यू चेंज हो गई ना, इसलिए इसका नाम हुआ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं. ये वेरिएबल आपके ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हो सकता है. ए से लेके जेड तक आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हो. जैसे आपने कहा सर टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस सेवन, ठीक है, इसमें वेरिएबल टी हो गया. या आपने कहा कि सर वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये वेरिएबल हो गया. तो वेरिएबल होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं. कॉफिशियंट होते हैं वेरिएबल के साथ अटैच जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं कॉफिशियंट, जो हमारे डिजिटल नंबर होते हैं. अब देखिए यहां पे x के साथ कौन है? टू, तो टू इसका कॉफिशियंट हो गया. एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? वन, तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट हो गया, ये x का कॉफिशियंट हो गया. और यदि ऐसा कोई नंबर है जिसमें वेरिएबल नहीं है तो वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया. क्लियर है? तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया, कॉफिशियंट आपको समझ में आ गए और कॉन्स्टेंट आपको समझ में आ गया. ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? आप कहेंगे सर ग्रेटेस्ट पावर है टू. तो जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो होती है इसकी डिग्री. आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वो होती है उसकी डिग्री. राइट? जैसे आपने कहा कि सर इसमें ग्रेटेस्ट पावर है टू, तो इसकी डिग्री हो गई टू. इसमें ग्रेटेस्ट पावर है टू, तो डिग्री हो गई टू. एक को लिखता हूं मैं, जेड की पावर थ्री माइनस सेवन जेड प्लस नाइन. इसमें ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? थ्री, तो इसकी डिग्री हो गई थ्री.
तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द डिग्री। क्लियर है? ओके। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल डिवाइड होता है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। एक एक एग्जांपल देके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पे मैंने मार्क किया 2, 4, 7/2। अब देखिए तीनों में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है ना, तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान देना है। अब जीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर कितनी होती है? जीरो। आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो देखिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं 2x की पावर 0। 2x की पावर 0 का मतलब भी 2 ही होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में स्टडी किया है कि एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1। आप सबको पता है कि एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो x की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और 2 है तो आपका क्या रह गया 2, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। इसलिए इसको कहा अपन ने 0 पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट आइए इस टाइप के x-2, y+4, z+7 इस टाइप के आइए। अब देखिए यहां पे वेरिएबल कौन है? x। यहां पर वेरिएबल कौन है? y। यहां पर वेरिएबल कौन है? z। अच्छा, वेरिएबल की पावर कितनी है? डिग्री 1 है भाई। हाँ, तो वेरिएबल की पावर कितनी हुई? 1। इसमें वेरिएबल की पावर है 1, इसमें भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इसमें भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो यदि वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। अब आप कहेंगे सर इसको लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इसलिए कहते हैं कि यदि इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें इसका जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी। और आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जो सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। इसलिए ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आगे चलिए। देखिए यदि मान लीजिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करता हूं, x²-4, y²-2y+5, तो इस टाइप में ग्रेटेस्ट पावर, वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2, इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक क्यों होता है? वो क्वाड्रेटिक इसलिए होता है कि यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। जितनी पावर होती है उतने जीरोस आते हैं। जैसे इसमें 1 पावर थी तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1। पावर 1 है तो 0 भी 1 होगा। 0 मींस उसका फैक्टर जो आपने 9th में किया था। यहां पे 2 पावर है तो इसके जीरोस या फैक्टर भी कितने होंगे? 2। और क्वाड्रेटिक का मतलब 2 है। और यदि हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, यदि हम इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हमारे इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को 2 जगह कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, इसको रेस कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा।
यहां पे मैंने किया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 1। तो इसमें x की ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि 3 पावर है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें पावर 3 है राइट। और इसके फैक्टर या जीरोस भी कितने होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे। जीरोस कौन होते हैं, उसके पार्ट या फैक्टर, जितनी पावर उतने जीरोस। यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये पॉलिनोमियल हमारे एक्स एक्सिस वाली लाइन को 3 पॉइंट पे कट करेगा, 1, 2, 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए हमने इसको कहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके क्लियर है, यस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी हमें रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन किस किस के बिटवीन बनाना है, वो बनाना है जीरोस के बिटवीन और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बिटवीन। इन दोनों के बिटवीन हमको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है ठीक है। अब रिलेशन अपन कैसे बनाएंगे, देखिए यदि आपका पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है कि उसमें कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे, क्योंकि वो लीनियर है। जैसे आपने कहा कि सर x माइनस 2 ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसे मैंने px से शो किया है, आप चाहे तो इसको y से भी शो कर सकते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 2, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए और यहां से सॉल्व कीजिए तो x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया इसका जीरो ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके और वेरिएबल की वैल्यू आप ले सकते हैं। अब आइए हमारे क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पे। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होता है हमारा इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, करेक्ट, वेरिएबल की पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए, ये कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी, ये एक्स का कोएफिशिएंट है और ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है। ये ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, करेक्ट है। अब सपोज कीजिए कि जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो जीरो भी कितने होंगे, 2, यस। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, क्लियर है। क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, ये भी सही है कि इसके जीरोस होंगे वो 2 जीरोस होंगे। लेट कीजिए, लेट 1 0 इज अल्फा एंड सेकंड 0 इज बीटा। हमने ये सपोज किया कि हमारा एक 0 अल्फा है, एक हमारा बीटा है, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा, ओके। अब रिलेशन ये होता है स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा बीटा तो क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए और बी और ए क्या हो गया, ए तो कोफिशियंट हो गया एक्स स्क्वायर का और बी कोफिशियंट हो गया इसके एक्स का,
तो माइनस बी अपॉन ए, एक रिलेशन तो आपका ये होता है। सेकेंड रिलेशन होता है मल्टीप्लाई वाला, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए, तो सेकेंड होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है आपका कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है, ए क्या है आपका कोफिशियंट वाला पार्ट है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालिए, तो इसको पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का टू एक्स प्लस फोर। स्टूडेंट यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है मैंने, एक्स कॉमन लीजिए एक्स प्लस टू, अगेन टू कॉमन लीजिए एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, फिर से कॉमन लीजिए एक्स प्लस टू और ये एक्स और ये टू इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट वाले पार्ट को जीरो सपोज कीजिए तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी माइनस की टू, या सेकेंड वाले पार्ट भी जीरो हो सकता है तो यहां से एक्स की वैल्यू हुई माइनस की टू, तो आपके जीरोस हो गए माइनस टू एंड माइनस टू। क्लियर स्टूडेंट? अब हम रिलेशन चेक करते हैं, तो रिलेशन चेक करने के लिए इधर स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए एक है इसमें एडिशन वाला और एक है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो पहले अपन एडिशन वाला लेते हैं, रिलेशन चेक कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट है अल्फा। स्टूडेंट इसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका अल्फा होगा, सेकंड वाला पार्ट आपका बीटा होगा, क्योंकि ये जीरोस है ना इसलिए, तो यहां पे अल्फा की जगह माइनस टू, बीटा की जगह भी माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ, इसके साथ चेक कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन है वन, तो ए की वैल्यू तो हो गई वन। एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो है बी, तो एक्स के साथ कोएफिशिएंट कौन है फोर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी। और लास्ट वाला पार्ट होता है कॉन्स्टेंट सी, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका सी, तो ए हो गया आपका वन, बी हो गया आपके पास प्लस का फोर और सी हो गया आपके पास प्लस का फोर। क्लियर है? ओके, तो आइए यहां पे, तो यहां पे बी, बी की वैल्यू कितनी है फोर, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो ये हो गया माइनस का फोर, ये माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू, सो माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर, इक्वल आ रहा है स्टूडेंट। तो ये था एडिशन वाला वेरिफिकेशन। अब लास्ट इसका मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर लेते हैं, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आइए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना है आपके पास माइनस का टू, इंटू बीटा भी क्या है माइनस का टू, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास फोर, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो फोर अपॉन वन हो गया फोर, और टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए यहां पे भी इक्वल आ रहा है और यहां पे भी इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट ये था एडिशन वाला वेरिफिकेशन और ये था मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिफिकेशन। तो इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बिटवीन। क्लियर है स्टूडेंट? यस।